लोग सालों से लगे हुए यहाँ से सफेद बाजदारी में आ गए हैं, लेकिन वो ठीक नहीं रह रहा यानी अबू जहल ही रहा, रसूल अल्लाह को भी देखता रहा। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या है, अबू जहल ही रहा वो आखिर तक, अबू लहब ही रहा, अबू बकर सिद्दीक अबू बकर सिद्दीक के रहे। नाम में सच्चाई थी, अंदर भी सच्चाई थी, और इतना शर्फ खुदा ने बख्शा अबू अबू बकर सिद्दीक को, उनके पीछे नमाजें पढ़ी रसूलुल्लाह ने। जिनके पीछे रसूलुल्लाह नमाजें पढ़े उनको गालियां देनी चाहिए, और सहाबा भाई से आपस में अगर इख्तिलाफ उनका आपस में हुआ तो कोई बात नहीं, रसूल अल्लाह से इख्तिलाफ तो नहीं था किसी का, किसी सहाबी का एक का भी इख्तिलाफ नहीं था रसूल अल्लाह से, उनका आपस में था। अब अली अफजल हैं, वो अफजल हैं, वो अफजल हैं, सबको क्या पड़ी है वो अफजल है, रसूल अल्लाह से इख्तिलाफ नहीं था तो ख़त्म बात। आका जी से इख्तिलाफ किसी का नहीं था। ये बातें समझ जाओगे बहुत बड़े गड़े से बच जाओगे गिरने से। फिर वो हदीसें लाएंगे कि जिसका कोई वाली व मालिक नहीं है, उसका वाली मालिक उस हदीस का मफहूम यह है, हजरत अली हैं। शेख कह लिया है, औरों को भी बना लो, क्या है ये? जिसको रसूल अल्लाह ने कहा वो ख़ास इशारा है। तो इन चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, ये ख़त्म नहीं होंगी ये बढ़ेंगी, और इसमें तुम्हारा जो है ना बहुत नुकसान होगा। कौन सा नुकसान? मोहब्बत का, खुदा का और नबी का मोहब्बत का नुकसान होगा। बहुत दूर चले जाओगे, खुदा से भी दूर, नबी से भी दूर।